उनकी वाइफ का नाम है नूर। तो हेलो नूर, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ऑडियो जंप। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कायनात दिवल। आप सबका मेरे चैनल कायनात दिवल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आइए, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और मैं भी आप सबकी दुआओं से अलहमदुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज है संडे, रविवार, इतवार, और संडे को बाहर वालों की छुट्टी होती है वैसे, ऑफिस वर्क वालों की, लेकिन हम लोगों की छुट्टी नहीं होती, हमारा और एक्स्ट्रा काम होता है। तो स्टार्टिंग हुई है आज, मशीन में कपड़े लगा दिए हैं मैंने नीचे, ऊपर आई हूँ पौधों में पानी डालने के लिए, तो वो हेल्प मेरी फराज कर रहे हैं बिकॉज आज संडे है। और बस ये तार मेरा टूट गया है तो तार बांधूंगी, सबसे ज़रूरी काम और सबसे मेहनत का काम। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी काम करते हैं और संडे के मज़े लेते हैं काम करते हुए। और यहाँ पर फराज मेरी हेल्प कर रहे हैं, ऊपर आने में लेट हो गया है, हमें धूप हो गई है और फराज ये हेल्प कर रहे हैं। पानी नहीं आ रहा है क्या? हेलो फ्रेंड्स, शाम का वक्त है, भूख लगी है ना, कुछ बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शाम का वक्त है, जा रही हूँ किचन में, कुछ ढूंढती हूँ और कुछ बनाती हूँ और पेट पूजा करते हैं हम लोग थोड़ी सी। क्या बनाएं? हलवा बनाती हूँ जाके। फ्रेंड्स, ये मैंने जल्दी से हलवा बना दिया है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। आज तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही है मुझे अपनी। फ्रेंड्स, अभी मैंने बनाया है हलवा, भूख लगी थी थोड़ी सी, और आज तबीयत सही नहीं है, मुझे बुखार सा फील हो रहा है, बुखार निकल रहा है, बुखार सा फील हो रहा है मुझे, सिर्फ फील ही होता है अंदर अंदर, तो मैं उसका इंतज़ाम कर लेती हूँ, घर जो चलाना है ना। तो बदन बहुत दर्द हो रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कुछ करके नहीं बन रहा। आज मैंने बहुत सारा काम किया, संडे था ना, कपड़े धोए, डस्टिंग, सारे काम किए, बहुत सारे, किचन का भी थोड़ा काम किया है मैंने, राशन का रखना उठाना, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। क्या कर रहे हो? मैं उनको स्कूल में लेकर आ जाऊँ, फिर चलेंगे, ठीक है? कहाँ चलेंगे? आपको दवाई दिलाना है, आप मत दीजिए, बुखार है ना, बैक बोन दर्द है। पापा ने कब फोन रख दिया था, मैं तब से हेडफोन लगाए हूँ, बता, इतनी मैं गुमशुदा तलाश के अंदर में रहती हूँ। लो बज गया फोन। हाँ फैज, कितना प्यार कर रहे हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए जान, क्या चाहिए होगा मुझे? वो संडे निकल गया, संडे को ही मेरा काम होता है, चलो निकल गया, अब क्या चाहिए बताइए। तो फिर माँ है, जब वो मेरे लिए करती है तो मैं क्यों। अच्छा ठीक, अभी आपको 6 सितंबर को कुछ सरप्राइज भी मिलने वाला, कुछ ऑर्डर किया है। बहुत दर्द हो रहा है रे, वो सरप्राइज भी मिलने वाला है। सही नहीं है फ्रेंड्स मेरी, देखो बुखार है ना मुझे, बुखार है, बुखार उसे भी कर लेने दो, उसकी मम्मा है, शाम से तो वही मेरा ख्याल रख रहा था, तुम तो अभी आए हो। लो फोन बज गया। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स मुझे शाम से काफ़ी मतलब हरारत सी लगने लगी, थकान ज़्यादा हो गई मुझे और बदन गरम गरम सा हो रहा है, मुझे हल्का सा फीवर हो गया था, अभी मैंने मेडिसिन लेके थोड़ा आराम किया है। तो अब मैंने सोचा थोड़ा मैं अपना ब्लॉग एंड कर लूँ, क्योंकि मुझसे कुछ हो नहीं रहा था और ये वायरल चल रहा है, ज़्यादातर सबकी तबीयत ख़राब हो रही है, सब लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और अपना भी रखिए ख्याल और आसपास वालों का भी ख्याल रखिए। और बुखार तो अभी भी मुझे लग रहा है, बदन बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, चलिए कोई नहीं, ये तो मेरा होता रहता है अभी फ़िलहाल।
और फ्रेंड्स सबसे ज़रूरी एक बात जो मैं बार बार भूल जा रही हूँ एक दो दिन से, और मेरे एक सब्सक्राइबर्स हैं बहुत अच्छे बहुत प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, आसिम हुसैन जी, और उन्होंने मुझे कहा था दो तीन ब्लॉग पहले शायद उन्होंने मुझे कहा था कि मैं अपने ब्लॉग में उनकी वाइफ का नाम लूं, और उनकी वाइफ का नाम है बहुत ही खूबसूरत, शायद इंशाल्लाह वो ज़रूर अपने नाम की तरह खूबसूरत होंगी, तो उनकी वाइफ का नाम है नूर। तो हेलो नूर, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे अच्छा लगता है आप मुझे पसंद करते हैं, मेरे ब्लॉग का वेट करते हैं, आप लोग मुझे अच्छे अच्छे मैसेज कीजिए। और आसिम हुसैन जी तो मुझे मैसेज करते रहते हैं उस पे यूट्यूब पे, मैसेज नहीं सॉरी कमेंट करते रहते हैं, सॉरी मैसेज नहीं कमेंट करते रहते हैं, तो आप लोग भी मुझे ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, फिर मैं आप लोगों का भी पक्का शॉर्ट आउट दूंगी। और अनूर जी से मैं इतना कहना चाहूँगी कि अभी मुझे आज वाले ब्लॉग में आसिम हुसैन जी का मैंने जब वो देखा मैसेज, उन्होंने कहा है कि उनकी वाइफ नूर मुझसे खफा है क्योंकि मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ, तो सॉरी नूर मुझे टाइम लग गया, मैं थोड़ा भूल जाती हूँ क्योंकि जब मुझे याद रहता है तब मैं शूट नहीं कर रही होती हूँ, जब मैं शूट कर रही होती हूँ तो मेरे जहन से निकल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं आपका नाम नहीं लेती, मैं आपका नाम ज़रूर लेती क्योंकि जब मुझे उन्होंने एक बार कह दिया था, इनफैक्ट मैंने अपने बेटे को कल से मैंने उनसे कहा था कि फैर मुझे याद दिला देना और मुझे नूर के बारे में बात करनी है, मुझे याद दिला देना मुझे नूर के बारे में बात करनी है, लेकिन ज़्यादातर मैं ऐसे टाइम पे ब्लॉग बनाती हूँ जब वो भी मेरा बच्चा भी नहीं होता है आसपास, और होगा भी तो उसे भी शायद इतना याद ना रहे, तो हो जाती हैं ऐसी चीज़ें, तो आई एम सॉरी, मैं दिल से सॉरी बोलती हूँ नूर कि आपको वेट करना पड़ा, लेकिन हाँ मुझे पता है कि वो तो उन्होंने कह दिया होगा खफा है, आप खफा तो नहीं होंगी क्योंकि जो प्यार करते हैं वो खफा नहीं होते, तो मिलिए कभी इंशाल्लाह, मिलते हैं फिर और फिर साथ में व्लॉग बनाते हैं। तो नूर आप अपना ख्याल रखिए, वैसे तो मैं आपको नहीं जानती हूँ लेकिन ये यूट्यूब के ज़रिए मुझे आपको शायद जानने का मौका मिलेगा, तो कभी मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ऐसे ही आप लोग भी मुझे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और मैं आप लोगों के का नाम अपने शॉर्ट आउट में ज़रूर दूंगी। और चलिए देखा अपने फैंस के बारे में अपने सब्सक्राइबर्स के बारे में बात करते करते एनर्जी आ गई मुझ में, वरना इतनी डल पड़ी हुई थी ना मैं कि मुझे शाम से मैं एनर्जी नहीं हो रही थी, अब तो ठीक है ना आसिम हुसैन जी और नूर जी। तो चलिए अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, मैं तो बस ये दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप दोनों का जोड़ा सलामत रखे, आप लोगों को खुश रखे, आप लोग के जोड़े में खूब मोहब्बत बनी रहे और आप लोग खूब कामयाब हो अपनी ज़िंदगी में, आप लोग की हर जायज़ मुराद पूरी हो। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं अपने ब्लॉग को ज़्यादा नहीं खींचती हूँ क्योंकि देखिए पसीना निकल रहा है मेरे कितना, क्योंकि अभी बुखार उतरा है, दवाई मैंने खाई है तो इसलिए जब दवाई खाने के बाद से फिर पसीने के ज़रिए ही बुखार उतरता है, तो अब मुझे काफ़ी गर्म लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे ब्लॉग देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।